टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई आज है दिवाली का दिन, यानी कि 31 अक्टूबर को हम मना रहे दिवाली 31 अक्टूबर को। कुछ लोग 1 नवंबर को ही मनाएंगे, बोला अलग अलग सीन चल रहा है, दो फेस्टिवल कर दिए लोगों ने पता नहीं क्यों, पर हम आज मना रहे हैं। तो सुबह दिन की शुरुआत थोड़ी जल्दी हो गई, नहा धो के हो गए रेडी, अब जा रहे हैं मार्केट क्योंकि बहुत ही सारा सामान लेके आना है डेकोरेशन का। तो चलते हैं छोटी सब्जी मंडी अपनी फेवरेट जगह पे और लेके आते हैं सारा सामान। शुरुआत तो सबसे पहले माला खरीदने से ही होती है हमारी। सबसे पहले माला फूल वगैरह ही ले लेते हैं। पहले दिवाली की सफाई करते करते थक जाओ बुरी तरह, और फिर जिस दिन दिवाली हो उस दिन घर की डेकोरेशन पूजा ये सब करते करते थक जाओ, मतलब ये थकने का खेल कभी ख़त्म नहीं होने वाला। तैयारी करते हैं अब सजाने की, सब कुछ 2 घंटे तो इसी में ही लग जाएंगे। जब भी ना मैं बैलकनी में आती हूँ ना, मतलब बहुत ही कम आती हूँ वैसे बैलकनी में, पर जब भी मैं बैलकनी में आती हूँ जब भी, तो एक ना आंटी रहती है इस वाले घर में, वो ना हमेशा बाहर खड़ी होती है। आज तो पता नहीं है नहीं, अभी आई थी, जब मैं अभी बाहर आई हूँ उससे पहले भी मैं बाहर रही थी, हमेशा बाहर खड़ी रहती है हमेशा। पता नहीं यार ऐसा क्या है, 24 घंटे बैलकनी में लटकी रहती है। तो ये देख लो भाई, ये सारा सामान हम लाए हैं, फूल मिठाई डेकोरेशन का सामान बहुत चीज़ें लाया है। तो ये ना माला में से मैं फूलों को ना कुचुम्बर निकाल रही हूँ ताकि फूल कर पाओ। ओह शिट, मेरा फ़ोन गिर गया भाई, मेरा फ़ोन गिर गया। एक तो वैसे ही मेरा फ़ोन चल नहीं रहा है, ऊपर से मैंने फ़ोन भी गिरा दिया। एंड मिशन कंप्लीटेड। तो आज इसकी ये ड्यूटी है कि ये अपने लिए खाना डालेगा। अगली दिवाली आ जाएगी तब तक इसका पास्ता चलेगा। ये देखो आज हमारे घर में कौन आया है, कैंडी। हालत इतनी टाइट हो गई है ना, मैं इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ पूछने की हद नहीं है। सारा घर डेकोरेट ऑलमोस्ट कर दिया है और अभी भी काफ़ी चीज़ें पेंडिंग रह गई हैं। अभी बज गए हैं 3 और ऑलमोस्ट सारी डेकोरेशन मैंने कर दी है। अब देखते हैं धीरे धीरे अब टाइम निकट आ रहा है, फिर तैयार होंगे, पूजा करेंगे, फिर देखते हैं आज कौन आता है घर पर, कौन नहीं आता रात को, और देखते हैं आज क्या होता है। देखो सब, ये मेरा काम है फ्लावर ऐसे लगाना, थोड़ा रेस्ट कर लिया, अब तो मम्मी को जल्दबाजी हो गई, अभी करना है ना। हाँ देखो, ओए क्या कह रही हूँ मैं, पता नहीं मम्मी को इतनी जल्दबाजी, तू बता फ्री फंड में आया ये तो। उन्होंने एक काम नहीं किया है, वैसे एक काम नहीं किया, एक काम पास्ता खाने के अलावा। यहाँ देख, इधर भी इन्होंने लगा दिए बैलकनी में, अच्छे लग रहे हैं यार, मैं ऐसा लग रहा है शादी है हमारे घर में। तो ये तो यार मैं रोज़ लगा सकती हूँ अपने घर में। फ्लावर बोल एक टेबल पे रख दिया है, एक यहाँ एंट्रेंस पे भी फ्लावर बोल मैंने आज रख दिया है, और यहाँ पे मेरी रंगोली भी बन चुकी है। फ्लावर से आज मैंने रंगोली बनाई है, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल किया है। तो भाई अभी हो रहे हैं 7:20 एंड पता ही नहीं लगा आज का दिन कहाँ 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 निकल गया। तो अभी रंगोली वंगोली बना दी है, एकदम बढ़िया सेट कर दी है, एंड मैं हो रही हूँ रेडी, एंड रेडी होने के बाद पटाखे फोड़ेंगे और क्या। तो भाई दोनों बहन भाई हो गए रेडी, हेलो कन्नू भी रेडी है, एंड ऐसा लग रहा है इस बार ना दिवाली बहुत जल्दी आ गई, पिछले साल तो आई थी पर ना बहुत जल्दी आ गई है, ऐसा नहीं लग रहा लग नहीं रहा दिवाली है। हाँ मेरे को भी नहीं लग रहा दिवाली, मतलब ऐसी है थोड़ा सा, क्योंकि ऐसा लगता कल ही तो आई थी है ना। अब भाई दूजे संडे को हम जाएंगे, अभी नानी घर, कल कहाँ जा रहे हैं हम ये तो बताओ। चॉकलेट शेक पीने भाई, चॉकलेट शेक तो बहन भाई का फेवरेट है, पर इसका सबसे ज़्यादा फेवरेट है ब्राउनी शेक। ये जो सामने वाले ये वाला घर है ना यार, इतना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है ना, बहुत अच्छे से सजाया है, दिखाती हूँ मैं। ये सामने कोई रहता ही नहीं है, यहाँ सामने कोई नहीं रहता है, ये बंद रहा है अभी पूरा, ये बहुत ही अच्छा इन्होंने सजाया है। यही वाला यही है वो घर जो आंटी ना बाहर निकली रहती है, पर आज है नहीं पता नहीं, एक बार सो पता नहीं
जो जीरा मच्छर होते हैं ना, वो जीरा ही होते हैं, उससे इसको इतनी वो है ना, डर लगता है इसको, बहुत नफरत भी करता है मुझे, मतलब बिल्कुल नहीं पसंद इसको, घर में आ जाए तो ऐसा होता है हा हा, बहुत नफरत करता है, बहुत ज्यादा। इधर आ, इधर आ। ये पूजो, पूजा कम्प्लीट हो गई, पूजो है, और पापा ने ना ये टीका लगाया हमको, और ये टीका जैसे ना नेपाली में पूजा होती है ना, वैसे इतना बड़ा टीका लगा दिया इसको भी, देखो इसका, इसने रिमूव कर लिया भाई, क्या टीका लगा दिया। बट कोई बात नहीं, पता मम्मी ने मेरी इतनी अच्छी अच्छी फोटोज खींची ना, जो मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते ना, वो फॉलो कर लेना और देख लेना, ठीक है। अब हम जाए पटाखे फोड़ने, एंड फिर पटाखे फोड़ेंगे एंड फिर देखते हैं। हाँ, हमको एक चीज़ दिखाते हो, आप चीज़ दिखाने वाले हैं, देख लेना क्या, छोटे छोटे कीड़े, अरे वो जीरा मच्छर घर के अंदर घुस गया, और ये तो भाई इसने पूरी पूजा में दिमाग खराब कर दिया, इसको पता नहीं क्यों इतना डर लग रहा है, इतने हो रहे ना आपको बता नहीं सकते, बहुत मैं भी बाहर दिखाऊंगा। एंड ये देखो भाई कितने सारे मच्छर है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो इतना कैमरे में दिख नहीं रहा, पर बहुत ही सारे मच्छर हो रखे हैं। जल्दी कर वन। एंड फाइनली अब हम आ गए हैं हमारी छत पे पटाखे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। देखो नहीं मिलेगी बंदे की। स्काई शॉट की बारी, द फेवरेट पार्ट। गाइस तो हो गई है दिवाली खत्म, एंड पटाखे फोड़ लिए, खाना वाना खा लिया, सारी चीज़ें हो गई हैं, और अब कुछ नहीं है करने को, अब बस सोएंगे, बहुत ही ज़्यादा थकान हो गया, पटाखे फूट रहे हैं, एंड कुछ लोग तो 1 नवंबर को भी दिवाली बनाने वाले हैं, तो अच्छी बात है। तो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छी लगी होगी, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत जल्दी आएगी, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।